हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो में हम लोग पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थर्ड कंप्लीट कर चुके हैं। सो नाउ विल स्टार्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में। आज हम लोग पार्ट फोर्थ की बात करते हैं। सो नाउ विल स्टार्ट। ठीक है, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूकोसा। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? म्यूकोसा में पाई जाती है। तो ये कितने टाइप गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है ना? तो इसके हम यहाँ पे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर डिस्कस द सेल्स प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक ग्लैंड, दैट इज म्यूकोसा ऑफ स्टोमक। ठीक, द सेल्स प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक ग्लैंड, द सेल्स प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक ग्लैंड दैट इज म्यूकोसा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूकोसा बोलते हैं। द सेल्स प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड दैट इज म्यूकोसा। ठीक है, ऑफ स्टमक, ऑफ स्टमक। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि द सेल्स प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक ग्लैंड, द सेल्स प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक ग्लैंड दैट इज म्यूकोसा, द सेल्स प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक ग्लैंड दैट इज म्यूकोसा। ठीक है ना, द सेल्स प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक ग्लैंड दैट इज म्यूकोसा ऑफ स्टमक। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड हैव थ्री मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड हैव थ्री मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक, तो आप कह सकते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड हैव थ्री मेजर टाइप ऑफ सेल्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड हैव थ्री मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड हैव थ्री मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स, नेमली उनका नाम क्या होगा? उनका नाम क्या होगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड हैव थ्री मेजर टाइप ऑफ सेल्स, डेट इज नेमली उनका नाम होगा जैसे म्यूकस नेक सेल, डेट सीक्रेट म्यूकस। ठीक है ना, म्यूकस नेक सेल विच सीक्रेट म्यूकस। तो आप कह सकते हैं जैसे म्यूकस नेक सेल्स विच सीक्रेट्स म्यूकस। ठीक, म्यूकस नेक सेल्स जो होती हैं क्या सीक्रेट करती हैं? म्यूकस को सीक्रेट करती हैं। देन हम बात करते हैं पेप्टिक और चीप सेल्स, देन हम बात करते हैं पेप्टिक और चीप सेल्स, पेप्टिक और चीप सेल्स जो होती है विच सीक्रेट प्रो इंजाइम। ठीक है, जो क्या सीक्रेट करते हैं? विच सीक्रेट्स प्रो इंजाइम, जो क्या सीक्रेट करती है? प्रो इंजाइम को सीक्रेट करती है। डेट प्रो इंजाइम इज पेप्सिनोजन, डेट प्रो इंजाइम इज पेप्सिनोजन। यह प्रो इंजाइम क्या होते हैं? पेप्सिनोजन होते हैं। और जैसे हम बात करते हैं कि पेराइटल और ऑक्सेंटिक सेल्स विच सीक्रेट HCl, तो आप कह सकते हैं पेराइटल और ऑक्सेंटिक सेल विच सीक्रेट्स HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, पेराइटल और ऑक्सेंटिक सेल विच सीक्रेट HCl, ठीक है ना, विच सीक्रेट HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, एंड इंट्रिंसिक फैक्टर और क्या सीक्रेट करेगा? एंड इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक फैक्टर को सीक्रेट करते हैं। डेट इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, यानी कि डेट फैक्टर इज इसेंशियल, यही फैक्टर इसेंशियल होते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ठीक है, तो आप कह सकते हैं फैक्टर, फैक्टर इसेंशियल, फैक्टर, फैक्टर इसेंशियल फॉर, ठीक है ना, फैक्टर एसेंशियल फॉर, इसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, यही जो फैक्टर होते हैं यह इसेंशियल होते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर, ओके डेट, यहाँ पे हमने बात किया। ठीक है, कि गैस्ट्रिक ग्लैंड हैव थ्री मेजर टाइप ऑफ सेल्स को सीक्रेट करती हैं, दैट इज नेम म्यूकस नेक सेल्स विच सीक्रेट म्यूकस, पेप्टिक और चीप सेल्स विच सीक्रेट प्रो इंजाइम एंड पेप्सिनोजन,
पेराइटल और अजेंटिक सेल्स भी सिक्रेट एससीएल एंड इंट्रेंसिक फैक्टर एंड इंट्रेंसिक फैक्टर यानी फैक्टर इसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी 12 फैक्टर इसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी 12 देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे सो डियर स्टूडेंट्स आगे आइए देखते हैं आगे तो द सेल्स प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक ग्लैंड दैट इज म्यूकोसा ठीक है ना ऑफ स्टमक दैट इज म्यूकोसा ऑफ स्टमक तो थ्री टाइप की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मेनली होती हैं ठीक है देन हम आइए आगे बात करते हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स इसके पहले हम आगे देखते हैं काइम की बात करते हैं काइम व्हाट इज काइम काइम की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स जो काइम होते हैं द फूड मिक्सेस थ्रूली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक बाय द चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल एंड इज कॉल्ड द काइम इसी को क्या कहा जाता है काइम कहा जाता है फिर से एक बार समझिए इसको कि द फूड मिक्सेस थ्रूली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक By the churning movement of its muscular wall and is called the काइम ठीक है तो आइए देखते हैं the food mixes thoroughly ठीक है ना the food mixes thoroughly किसके through with the acidic gastric juice with the acidic गैस्ट्रिक जूस ठीक है ना किसका जूस ऑफ द स्टमक ठीक है ना ऑफ द स्टमक बाय द चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल बाय द चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल ठीक है ना बाय द चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल एंड इट्स कॉल्ड द काइम ठीक है ना और इसी को क्या कहा जाता है काइम एंड इज कॉल्ड द काइम इसी को क्या कहा जाता है काइम कहा जाता है सो डियर स्टूडेंट्स इट इज क्लियर ओके डेट यहाँ पे काइम क्या होता है यहाँ पे काइम क्या होता है तो आप कह सकते हैं द फूड मिक्सेस थ्रूली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक बाय द चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल एंड इट्स कॉल्ड द काइम इसी को क्या कहा जाता है काइम कहा जाता है देन हम आगे बात करते हैं इसके आगे हम बात करते हैं पेप्सिनोजन की बात करते हैं यहाँ पे सो डियर स्टूडेंट्स आगे देखते हैं यहाँ पे देखते हैं कि पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन पेप्सिनोजन कन्वर्ट किसमें होता है पेप्सिन में किसके थ्रू होता है ठीक है ना किसके एक्सप्लोजर से होता है ठीक तो पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिनोजन is converted into pepsin by किसके थ्रू होगा ठीक है ना पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इंटू पेप्सिन बाई द प्रो इंजाइम पेप्सिनोजन ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आइए देखते हैं द प्रो इंजाइम पेप्सिनोजन ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक
क्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंजाइम पेप्सिन, इनटू द एक्टिव एक्टिव एंजाइम पेप्सिन, ठीक है ना, इनटू द एक्टिव एंजाइम पेप्सिन, द प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक, द प्रोटियोलिटिक एंजाइम, द प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ स्टमक, द प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ स्टमक, पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू प्रोटियोजेस, पेप्सिन क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है प्रोटीन इनटू प्रोटियोजेस, प्रोटियोजेस, ठीक है ना, प्रोटीन इनटू प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन, एंड पेप्टोन दैट इज पेप्टाइड, एंड पेप्टोन दैट इज पेप्टाइड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज पेप्टाइड। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर ओके दैट यहां पे हमने बताया कि पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन बाय, तो आप यहां पे देखेंगे कि द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंजाइम पेप्सिन, द प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ स्टमक पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन दैट इज पेप्टाइड। सो इट इज क्लियर, देन हम आगे बात करते हैं व्हाट प्रोटेक्ट द म्यूकोसल एपिथीलियम, म्यूकोसल एपिथीलियम को कौन प्रोटेक्ट करता है, किससे, फॉर एक्सोक्राइटेशन से, फ्रॉम एक्सोक्राइटेशन से कौन प्रोटेक्ट करता है, तो व्हाट प्रोटेक्ट द म्यूकोसल एपिथीलियम फ्रॉम एक्सोक्राइटेशन। देन हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बात करते हैं यहाँ पे कि व्हाट प्रोटेक्ट द म्यूकोसल एपिथीलियम फ्रॉम एक्सोक्राइटेशन, व्हाट प्रोटेक्ट द म्यूकोसल एपिथीलियम फ्रॉम एक्सोक्राइटेशन, ठीक है ना, किससे, एक्सो क्राइटेशन, ठीक है ना, कि म्यूकोसल एपिथीलियम को एक्सोक्राइटेशन से कौन प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना, व्हाट प्रोटेक्ट, क्या प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द म्यूकोसल एपिथीलियम फ्रॉम एक्सोक्राइटेशन बाय द हाईली कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, तो आइए देखते हैं द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट, द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट, द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस कहां पे पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन, एंड
प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोशल एपिथेलियम, ऑफ द म्यूकोशल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सोक्राइटेशन, किससे? फ्रॉम एक्सोक्राइटेशन, फ्रॉम एक्सोक्राइटेशन, ठीक है ना, फ्रॉम एक्सोक्राइटेशन बाय द हाईली कंसंट्रेटेड, बाय द हाईली कंसंट्रेटेड, बाय द हाईली कंसंट्रेटेड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, ठीक है ना, बाय द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो इट इज क्लियर, ओके डियर स्टूडेंट्स, यहां पे व्हाट प्रोटेक्ट द म्यूकोशल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सोक्राइटेशन, तो द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोशल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सोक्राइटेशन बाय द हाईली कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बाय द हाईली कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. देन हम आगे बात करते हैं, डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे हम लोग बात करते हैं, यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन चैप्टर, बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं. देन हम आगे बात करते हैं यहां पे कि नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन इन्फेंट फॉर डाइजेशन, फॉर मिल्क डाइजेशन, फॉर डाइजेशन ऑफ मिल्क. तो नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन इन्फेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ मिल्क, ठीक है ना, फॉर द डाइजेशन ऑफ मिल्क. तो कौन से एंजाइम हैं जो इन्फेंट में मिल्क डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना, तो नेम द एंजाइम, नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन इन्फेंट, इन्फेंट मीन्स नवजात शिशु, ठीक है ना, फॉर डाइजेशन ऑफ मिल्क, ठीक, फॉर डाइजेशन ऑफ मिल्क, फॉर डाइजेशन ऑफ मिल्क. तो रेनिन इज ए प्रोटियोलिटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट, तो यहां पे कह सकते हैं इसका आंसर रेनिन, रेनिन, रेनिन एंजाइम, ठीक है ना, रेनिन इज ए प्रोटियोलिटिक एंजाइम, रेनिन इज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम, रेनिन इज ए प्रोटियोलिटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट, फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ infants, found in gastric juice of infants which help in digestion of milk protein, which help in digestion of milk protein, तो आप कह सकते हैं which help in digestion of milk protein, which help in digestion of milk protein. So dear students, it is clear, okay, that यहाँ पे name the enzyme present in infant for the digestion of milk. तो renin, renin, ठीक है ना, renin is a proteolytic enzyme found in gastric juice of infant which help in digestion of milk protein, which help in digestion of milk protein. Then हम आगे बात करते हैं,
डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आगे बात करते हैं कि द बाइल पैनक्रियाटिक जूस एंड द इंटेस्टाइनल जूस आर द सिक्रीशन रिलीज इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। तो देखते हैं द बाइल पैनक्रियाटिक जूस एंड द इंटेस्टाइनल जूस पैनक्रियाटिक जूस एंड द इंटेस्टाइनल एंड द इंटेस्टाइनल जूस द बाइल पैनक्रियाटिक जूस एंड द इंटेस्टाइनल जूस आर सिक्रीशन रिलीज्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, कहां पे इंटेस्टाइन, ठीक। इट इज ओके क्लियर दैट द बाइल पैनक्रियाटिक जूस एंड द इंटेस्टाइनल जूस आर द सिक्रीशन रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ से इनका सिक्रीशन होता है? तो इनका सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। किसका? द बाइल पैनक्रियाटिक जूस एंड द इंटेस्टाइनल जूस आर द सिक्रीशन रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आगे बात करते हैं कि जो पैनक्रियाटिक जूस होता है किससे कंसिस्ट होता है। तो आप कह सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, पैनक्रियाटिक जूस कंसिस्ट ऑफ, देन हम आगे बात करते हैं, पैनक्रियाटिक जूस कंसिस्ट्स ऑफ, या किससे कंसिस्ट होता है, यानी कि कंपोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या पाया जाता है। तो आप कह सकते हैं द पैनक्रियाटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर इनएक्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। डेट एंजाइम इज ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियेजेस, ऑल डेट एंजाइम और कंसिस्ट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो आगे देखते हैं, द पैनक्रियाटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम कैसे एंजाइम पाए जाते हैं, इनएक्टिव एंजाइम। डेट एंजाइम इज ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, डेट एंजाइम इज ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियेजेस। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर ओके डेट। यहाँ पे वी नाउ डिस्कस पैनक्रियाटिक जूस कंसिस्ट ऑफ, द पैनक्रियाटिक जूस कंसिस्ट ऑफ एन एक्टिव एंजाइम, पैनक्रियाटिक जूस कंटेन इन एक्टिव एंजाइम, डेट एंजाइम इज ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियेजेस। देन हम आगे बात करते हैं,
डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं, ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम, ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय द एंजाइम, ठीक है ना, ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम, किससे एक्टिवेट होता है ट्रिप्सिनोजन, तो आप कह सकते हैं कि इंट्रोकाइनेज सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। आइए देखते हैं, इंटीरोकाइनेज सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ठीक है ना, इंटीरोकाइनेज सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ठीक, म्यूकोसा इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन, इसमें इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन किसमें बदलेगा, इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन में, विच इन टर्न जो क्या करता है, विच इन टर्न एक्टिवेट जो क्या करता है, इसको एक्टिवेट कर देता है, विच इन टर्न एक्टिवेट। डियर स्टूडेंट्स यहां पे बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय द एंजाइम, यानी कि ट्रिप्सिनोजन किससे, किस एंजाइम से एक्टिवेट हो रहा है, तो यहां पे इंटीरोकाइनेज सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन, ठीक है ना, इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन व्हिच इन टर्न एक्टिवेट, यही क्या करता है, इसको एक्टिवेट कर देता है, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में, ठीक है। देन हम आगे बात करते हैं, डियर स्टूडेंट्स हम लोग आगे बात करते हैं यहां पे कि कंसिस्टेंट ऑफ बाइल, यानी कि आप कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ बाइल, व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ बाइल, व्हाट इज कंसिस्ट ऑफ बाइल, व्हाट इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ बाइल, ठीक है ना, कंस्टिट्यूएंट ऑफ बाइल की बात करते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बाइल, बाइल में क्या क्या कंस्टिट्यूशन होता है, क्या क्या पाया जाता है, तो बाइल, द बाइल रिलीज्ड इनटू द ड्यूडेनम, देखिए यहां पे, द बाइल रिलीज्ड इनटू द ड्यूडेनम, द बाइल रिलीज्ड इनटू द ड्यूडेनम, बाइल कहां से रिलीज्ड होता है, इनटू द ड्यूडेनम, कंटेन बाइल पिगमेंट, इसमें क्या पाया जाता है, कंटेन बाइल पिगमेंट, इसके अंदर बाइल जूस में बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं, डेट बाइल पिगमेंट इज बिलरुबिन एंड बिलवर्डिन, डेट बाइल पिगमेंट इज बिलरुबिन, डेट बाइल पिगमेंट इज बिलरुबिन एंड बिलवर्डिन, बिलीवर्डिन, ठीक, दैट बाइल पिगमेंट इज बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ठीक है ना, वाइल साल्ट कोलेस्ट्रॉल, बाइल साल्ट कोलेस्ट्रॉल एंड फास्फोलिपिड, बाइल साल्ट एंड फास्फोलिपिड, बट नॉट एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बट नॉट एंजाइम। सो डियर स्टूडेंट्स इट इज क्लियर ओकेटेड, यहां पे कंपोजिशन ऑफ बाइल की बात कर रहे हैं,
कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बाइल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो द बाइल रिलीज्ड इनटू द ड्यूडेनम, बाइल कहां से रिलीज्ड होता है, ड्यूडेनम से यह रिलीज्ड होता है। इसमें जो बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं, डेट बाइल पिगमेंट इज बिलरूबिन एंड बिलवर्डिन एंड बाइल साल्ट कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड बट नॉट डेट ऑफ एंजाइम। बाइल जूस के अंदर एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, बाइल जूस के अंदर एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है ना। तो बाइल रिलीज इंटू द ड्यूडेनम कंटेन बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट डेट इज बिलरूबिन एंड बिलवर्डिन, बाइल साल्ट कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड बट नॉट ऑफ एंजाइम। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू, बने रहिए, देखते रहिए वीडियो को।